Hello friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. 10th तक आपने काफी अच्छे से पढ़ाई की. You must have studied hard. इसलिए अभी आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने एक साल तक हम आराम करेंगे, लेकिन 10वीं के बाद आप आराम नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई सोचता है कि हम 6 महीने एक साल तक आराम करेंगे तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले 2 साल आपके जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही 2 साल क्या करेंगे, आपके एकेडमिक्स को सेट करेंगे, आपका करियर बनाएंगे. और एकेडमिक्स अगर आपको अच्छा बनाना है तो वी आर रनिंग फॉर द सेम. यू will get the best academic at success point. हम लोग जो है आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं. आपका जो भी सपना है वो पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, और यहाँ पे आपको पूरी तरह से डिटेल में गाइडेंस मिलेगा रिगार्डिंग द डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक JEE और NEET. Science, you have studied science in 10th. आपने 10th में science पढ़ा है. अभी science exactly है क्या? इसको कैसे define करेंगे? तो science is nothing but the study of nature. Science क्या है? Study of nature. अब ये जो nature है, इसमें कई सारी चीजें होती है. इन चीजों का हम पढ़ाई करते हैं, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं. दिस इज नथिंग बट द साइंस. देयरफॉर साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स. हम डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें यूज करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेना इज द पार्ट ऑफ साइंस. अब ये साइंस जो है इसमें कितनी ब्रांचेस होती है? हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस आर देयर? आपने 10th कुछ टॉपिक्स पढ़े हो सकते हैं, लाइक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स, सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ये सभी जो है ये कौन से ब्रांच के पार्ट्स है, ये कहां पे आते हैं टॉपिक्स, इनको कहां इंक्लूड किया गया है? तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिक्स. केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस आपने पढ़ा है. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स हुआ है. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपने पढ़ा है. ये सब कहां पे आते हैं? केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच ऑफ साइंस. देन लाइट प्रोसेस आपने पढ़ा है. ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ड्स आपने पढ़ा है. हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सब कहां पे आते हैं, किसमें इंक्लूड किए गए हैं? तो ऑल दीज टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन थर्ड ब्रांच ऑफ साइंस, दैट इज बायोलॉजी. एंड देयरफॉर रिमेंबर वेल, साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री ब्रांचेस. फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज बायोलॉजी. एंड हियर आई एम गोइंग टू टीच यू केमिस्ट्री. हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे. कई बच्चों देखते हैं केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का ओरिजिन पता करते हैं. अब रफली अगर हमें पता ही करना है, बताना है, तो केमिस्ट्री में दो पार्ट दिख रहे हैं, पहला CHK, दूसरा MISTRY, केमिस्ट्री. तो समझो इसको मान के चलते हैं केमिस्ट्री, एंड CH स्टैंड्स फॉर केमिकल. इसलिए रफली अगर केमिस्ट्री का मीनिंग पता करना है तो हम कहेंगे मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल्स के बारे में डिटेल में जानना क्या कहलाता केमिस्ट्री. बट दिस इज नॉट द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहेगा उसके पहले हम पता करते हैं केमिस्ट्री का ओरिजिन क्या रहेगा. तो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री इज अरेबिक वर्ड अल्केमिया. व्हाट डस अल्केमिया मीन? इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. केमिस्ट्री का ओरिजिन है अरेबिक वर्ड अल्केमिया.
अल्किमिया का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन एक्जैक्टली केमिस्ट्री का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या रहेगा, आइए देखते हैं। अब केमिस्ट्री क्या रहेगा? इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस। इसका ब्रांच रहेगा साइंस का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन। नाउ व्हाट डज कंपोजिशन मीन? सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी घर में चाय बनाती है, चाय बनाते समय दो कप दूध, दो चम्मच चाय पत्ती, तीन चार चम्मच शक्कर डालती है। तो ये जो दो चम्मच चाय पत्ती रहेगी, चार चम्मच शक्कर रहेगी, दो कप दूध रहेगा, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए कंपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं। अब केमिस्ट्री में कंपोजिशन मतलब क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं जो आपने पढ़ा है 19 एट स्कूल लेवल, मिथेन। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? दो एलिमेंट दिख रहे हैं, एक कार्बन एंड दूसरा हाइड्रोजन। अब कार्बन कितना परसेंट रहेगा मिथेन में, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या रहेगा, ये पता करना मतलब कंपोजिशन पढ़ना। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना रहेगा ये पता करना है नहीं, कंपोजिशन पढ़ना। देन कंपोजिशन के बाद और क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज। सेकंड एस्पेक्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में दो प्रकार आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो प्रकार के हम यहाँ पढ़ते हैं, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। अब फिजिकल किसे कहना? तो कोई सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, मानो मीथेन लिया, तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, मीथेन की डेंसिटी कितनी रहेगी, ये सब पढ़ना क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज? तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट होगा, क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, ये सब पढ़ना क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिमेंबर वेल, प्रॉपर्टीज में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज आती है, एक फिजिकल एंड दूसरा केमिकल। और थर्ड एस्पेक्ट कौन सा रहेगा? इंटरैक्शन ऑफ मैटर, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके बनाता कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पढ़ा है ओन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हुआ? कार्बन इज कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, जिसको हम कहेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर। या कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, इसी को हम कहेंगे इंटरैक्शन ऑफ मैटर। देयरफॉर देखिए केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ Science, which deals with the study of composition, which deals with study of composition, properties and interaction of matter, is known as chemistry. What is the definition? A branch of science which deals with study of composition, properties and interaction of matter. तो इस प्रकार से हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। नाउ सी, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फाइव ब्रांचेस। अब ये पांच ब्रांचेस कौन सी रहेगी? तो फर्स्ट ब्रांच जो रहेगा दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला ब्रांच कौन सा रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एग्जांपल हमने लिया है मीथेन का। इस मीथेन में सेंटर में कौन रहता है? कार्बन। और कार्बन के सराउंडिंग में कौन रहेगा? हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमें मीथेन का स्ट्रक्चर मिल गया। और मैटर का ये जो स्ट्रक्चर है कहां पढ़ते हैं? इन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब क्या होता है? It is the combination of two branches, physics and chemistry.
physical is the combination of two branches, physics and chemistry. तो physical chemistry में हम दोनों पढ़ेंगे physics and chemistry. और सबसे पहले यहाँ हम matter का structure explain करेंगे. Structure explain करेंगे. उसके बाद second aspect रहेगा जो भी example है transformation हम लेंगे carbon combines with oxygen to form CO. ये transformation हमने लिया. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता. उसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको एक्सप्लेन करने वाली, जस्टिफाई करने वाली कौन सी थियोरीज है, जो थियोरीज रहेगी लॉस रहेंगे प्रिंसिपल्स रहेंगे, ये सब कहां पे आता है फिजिकल केमिस्ट्री में. तो इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. देन एनर्जी चेंजेस, थियोरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, एक्सप्लेनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. So first branch physical chemistry, second branch organic chemistry. अब organic में दो part है, पहला organ, दूसरा IC. What does it mean? IC मतलब pertaining to organ, pertaining to organ, related to organ. अब ये organ क्या specify करता? It specifies living organisms like plants and animals. Organ specifies living organisms like plants and animals. इसलिए plants और animals से जो substances obtained किए गए हैं, उनको नाम दिया organic compounds. The compounds obtained from plants and animals are known as organic compounds. और बाद में पता चला कि इन सभी organic compounds में कौन सा element essential रहता है, कार्बन. इन सभी कंपाउंड्स में एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा पाया गया है, कार्बन. एंड देयरफॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया है द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, देयरफॉर द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सेकंड थर्ड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब यहां क्या पढ़ेंगे, इसमें दो पार्ट है, पहला आयन इन मींस नॉट, ऑर्गेनिक मींस नो कार्बन. नॉट कार्बन का मतलब क्या होता है, तो यहां आप ऐसे एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो कार्बन के अलावा रहेंगे. इन्हीं एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे. इसलिए इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. हमें पता है कि कार्बन के अलावा कई सारे एलिमेंट्स आपने टाइम 10 में पढ़ा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा. इन सभी एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की स्टडी करना कहलाता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देयरफॉर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स अदर दैन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. The branch of chemistry which deals with study of elements and their compounds other than carbon and its compounds is known as inorganic chemistry. तो इस प्रकार से ये third branch inorganic chemistry रहेगा. Number four analytical chemistry. Analytical obtained from एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब यहाँ पे आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण करना. अब ये विश्लेषण करना मतलब क्या होगा, तो डिटेल में हमें किसी सब्सटेंस के बारे में बताना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, समझो हमारे पास मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का. तो सबसे पहले
इस मिक्सचर को हम दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में सेपरेट करेंगे। इसलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? सेपरेशन। कौन सा रहेगा? सेपरेशन। मिक्सचर में से दो तीन सब्सटेंसेस को सेपरेट करना। बाद में इन सेपरेट किए हुए सब्सटेंसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये बेंजीन है, ये इथेन है, ये और कोई सब्सटेंस है, इनको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। इसलिए सेकंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड कौन सा रहेगा? तो ये जो सब्सटेंसेस हमें मिले हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देयरफॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव द एस्टिमेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। देयरफॉर ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ substances is known as analytical chemistry, and the last branch is biochemistry. यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है नाम से ही कि biochemistry is the combination of two different branches. One is biology, other is chemistry. अभी biology क्या indicate करता है? तो आप यहाँ वही मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। और ये जो लिविंग मॉलिक्यूल्स है उनको ही हम कहाँ पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। देयरफॉर ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज biochemistry। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज, आपने नाम सुना ही होगा। अब ये ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा, वो कौन से प्रकार की रिएक्शंस दिखाता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का एग्जांपल रोल क्या है, वो कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ये सब पढ़ना इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इन दिस वे लास्ट ब्रांच बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग। तो ये हो गया अबाउट द केमिस्ट्री एंड वेरियस ब्रांचेस। लेट अस टेक रिकैप, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का ओरिजिन, अरबी वर्ड अल्किमिया, इसका मतलब आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। देन साइंस का डेफिनेशन हमने आपको बताया, द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स इज नोन एज साइंस। साइंस के कई सारे ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ हम आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या रहेगा? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस में एलिमेंट्स कितना परसेंट रहेगा वो पता करना। दूसरा है प्रॉपर्टीज, जिसमें दो पार्ट आते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में क्या डिटरमाइन किया जाता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी और सॉलिडिटी। केमिकल में क्या पढ़ा जाएगा? वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं। और उसके बाद जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शन ऑफ मैटर, ये सब कहाँ पे आएगा? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरैक्शन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं? पांच ब्रांचेस। पहला कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आप क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर। देन एनर्जी चेंजेस, थियोरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ब्रांच, इसमें आप क्या पढ़ोगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
कार्बन और उसके कंपाउंड्स हम कहां पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आपने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल याद आ रहा हाइड्रोकार्बन्स, इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, ये सब कहां आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, सभी एलिमेंट्स अदर दैन कार्बन और इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। देन एलिमेंटल केमिस्ट्री में क्या करोगे, अगर आपके पास कोई मिक्सचर है तो इस मिक्सचर को सेपरेट करना, हर एक सब्सटेंस का कंपोजिशन पता करना, हर एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना, और आपका पार्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो यहां आप क्या पढ़ोगे, लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करोगे। एग्जांपल हमने आपको ग्लूकोज का दिया है, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज से सेलुलोज से ऑल दीस आर द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।